बिग बॉस 14 का फिनाले से एक दिन पहले और आज जर्नी वीडियो दिखाया गया, तो आप लोगों को बताऊंगा कि किसका जर्नी वीडियो किस तरीके से रहा और कितने देर तक दिखाया गया, और किसका जर्नी वीडियो सबसे बड़ा रहा, किसका सबसे छोटा रहा, किसके जर्नी वीडियो में क्या खास रहा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार था, आज सलमान खान को आना था, लेकिन कल फिनाले है, जिसके वजह से आज सभी घर वालों का जर्नी वीडियो जो है उनको दिखाया गया। और आज के एपिसोड शुरुआत होते ही सबसे पहले वहां पर सुबह हुई, और उसके बाद लगातार ये सिलसिला शुरू हुआ, और सबसे पहले वहां पर राहुल वैद्य का जर्नी वीडियो दिखाया गया। और आप सभी को बता दूं कि जो बिग बॉस का बोलने का लहजा होता है, बिग बॉस का बोलने का अंदाज होता है, और जिस तरीके से बिग बॉस पेश आते हैं, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि बिग बॉस किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें राहुल वैद्य की जर्नी वीडियो की, तो बेहद ही शानदार रहा। और अगर हम उनकी जर्नी वीडियो की बात करें, तो 18 से 20 मिनट के भीतर में उनका जर्नी वीडियो पूरा दिखाया गया है। और अगर हम बात करें तो बिग बॉस ने जो कुछ बड़े बड़े बातें कही है वीडियो दिखाने से पहले और वीडियो दिखाने के बाद, उसमें यह था कि अकेलापन से राहुल वैद्य ने किस तरीके से वहाँ पर जीता, इसके बारे में बिग बॉस ने जिक्र किया। साथ ही साथ बिग बॉस ये भी कहना नहीं भूले कि वहाँ पर अकेलापन से हार करके कुछ मिनटों के लिए उन्होंने जो है बिग बॉस से बिल्कुल हार मान ली थी, ये बात भी बिग बॉस ने वहाँ पर हाईलाइट किया। वहीं अगर हम बात करें तो बिग बॉस ने एक और चीज़ वहाँ पर हाईलाइट की कि जो बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य ने किस तरीके से रिश्ते की अहमियत वहाँ पर दी है, और एक चट्टान की तरह खड़े रहे, अपने फैसले पर अडिग रहे। और उसके बाद बिग बॉस ने वहाँ पर राहुल वैद्य का जो जर्नी वीडियो था उसको दिखाना प्रारंभ किया, जिसमें तमाम वो पल जो राहुल वैद्य ने इस घर में दिखाए हैं, बिताए हैं, उसको हाईलाइट करके बिग बॉस ने वहाँ पर दिखाए, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़े हो, चाहे वो मस्ती हो, दोस्ती हो, चाहे वो प्यार वाला पल हो, चाहे वो हंसी मजाक वाला पल हो, हर एक चीज़ को बिग बॉस ने वहाँ पर बेहद ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करके एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसमें बेहद ही भावुक करने वाले गीत भी बिग बॉस ने रखे थे। और कहीं ना कहीं जो राहुल वैद्य की जर्नी रही है वो किसी विजेता से कम नहीं रही है, और उसी प्रकार से बिग बॉस ने वहाँ पर पेश भी किया। लेकिन जो बिग बॉस के द्वारा हाईलाइट किया गया उस पर वो कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। बिग बॉस ने ये भी कहा कि शायद आप एक पल के लिए जो वहाँ पर आपके सामने ऐसा पल आया जिसके लिए आपने मुंह मोड़ लिया, और इस तरीके की वहाँ पर जर्नी वीडियो राहुल पे देखिए दिखाया गया। उसके बाद वहाँ पर बारी आई राखी सावंत की, और आप सभी को बता दूं कि जो राखी सावंत की जर्नी वीडियो रही वो 25 से 27 मिनट तक की दिखाई गई, जिसमें जो जर्नी वीडियो होता है वो 25 मिनट जितना वहाँ पर दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें राखी सावंत की, तो बिग बॉस ने उनकी तारीफों की पुल बांध दी, और ये तक कह दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बिग बॉस से अपना नाम बनाया है, लेकिन अगर बिग बॉस की किसी ने पहचान बनाई है तो राखी सावंत है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो राखी सावंत को ये भी कही कि आपने जो भी कहानी सुनाई, चाहे वो अपनी पर्सनल हो या फिर जो भी कहानी आपने शेयर किया, उसको दर्शकों ने अपनी कहानी के तरह लिया, उसको एक सच्चा कहानी माना। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ये भी कह दिया कि जो आपने सीजन 1 में स्टैंडर्ड सेट किया था कॉमेडी का, एंटरटेनमेंट का, उसको भी तोड़ करके नेक्स्ट लेवल पर आपने इस सीजन में जो है वहाँ पर कॉमेडी और मनोरंजन दर्शकों को प्रदान किए हैं। और साथ ही साथ बिग बॉस ने यहाँ तक कह दिया कि राखी सावंत ही ओरिजिनल इंटरटेनर है, बाकी तो उनके कॉपी करते हैं। तो ये सारी बात कहने के बाद वहाँ पर राखी सावंत की जर्नी वीडियो दिखाई गई, जो कि 25 से 27 मिनट के बीच में वहाँ पर दिखाया गया, और जो जर्नी वीडियो होता है वो तकरीबन 25 मिनट का उनको जो है दिखाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारी आई एली गोनी की, लेकिन आप सभी को बता दूँ कि जब राखी सावंत का वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ, तब राखी सावंत अंदर जाकर भी बहुत ज़्यादा रोई, सभी से बात की, वहाँ पर वो सीन्स भी हमें दिखाए गए प्रॉपर तरीके से, जो कि राहुल वैद्य के समय में नहीं दिखाया गया था। वहीं अगर हम बात करें, उसके बाद आया एली गोनी का समय, जिनको तकरीबन 13 से 14 मिनट वहां पर पूरा उनका वो कार्यक्रम रहा। और अगर हम बात करें जर्नी वीडियो का, तो उनको जो है 13 मिनट के करीब वो जर्नी वीडियो दिखाया गया। एली गोनी के तारीफ में बिग बॉस ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन दो चीज़ें जो कही वो आप लोगों को बता दूं कि दूसरों के लिए सीना ठोक करके खेलने वाले बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, और उसमें से एक आप है, ये बात एली गोनी के तारीफ में वहाँ पर बिग बॉस करते हुए हमें नज़र आए। वहीं साथ ही साथ जब एली गोनी आए थे तो उनका एक ही मकसद था कि वहाँ पर जैस्मिन को सपोर्ट करने आए थे, तो बिग बॉस ने ये भी कहा कि दूसरे के लिए खेलने आना ये भी अपने आप में अनोखी बात होती है। और उसके बाद वहाँ पर एली गोनी का
पूरा जो वीडियो था वो दिखाना प्रारंभ हुआ, जिसमें एलिगोनी को वो तमाम सीन्स दिखाए गए, चाहे वो जैस्मिन बसीन की इविक्शन हो, या फिर एलिगोनी की री एंट्री हो घर में, या फिर उनके लड़ाई झगड़े हंसी मजाक हर सीन्स को वहाँ पर बिग बॉस ने जर्नी वीडियो में दिखाया, जो कि तकरीबन 13 मिनट का हमें देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसके बाद बारी आई रूबीना दिलेक की, और अगर हम रूबीना दिलेक की जर्नी वीडियो की बात करें तो वहाँ पर 20 से 22 मिनट का उनका जर्नी वीडियो रहा, और अगर हम बात करें प्रॉपर जर्नी वीडियो की तो 20 मिनट और 30 सेकेंड का उनका जर्नी वीडियो हमें दिखाया गया। वहीं अगर हम बात करें कुछ बातें जो कि बिग बॉस ने हाईलाइट करके बोली, तो बिग बॉस ने यह कहा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका जो जंग होता है वो दूसरे लोगों के खिलाफ होता है, लेकिन जो आपका जंग था वो अपनों से था, ये बिग बॉस ने वहाँ पर कहा। उसके बाद बिग बॉस ने यह भी कहा कि जो कलाकार होती है उनकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होती है और उसके जीते जागते मिसाल हो आप, इस तरीके की बातें बिग बॉस ने वहाँ पर की। साथ ही साथ बिग बॉस ने यह भी कहा कि आपकी जो जर्नी है वो सामान्य नहीं असामान्य रहे हैं। वहीं जब उसके बाद बिग बॉस ने वहाँ पर दिखाया जब रूबीना दिलेक जब आरजे बनी थी, तब वहाँ पर बोली थी कि द रूबीना दिलेक शो, और उसके बाद वहाँ पर रूबीना दिलेक का जो जर्नी वीडियो था वो शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 20 मिनट का दिखाया गया। वहीं उसके अलावा अगर हम बात करें तब आखिरी में बारी आई निक्की तंबोली की, और आप सभी को बता दूं कि निक्की तंबोली का जो जर्नी वीडियो था वो सबसे छोटा था, और आप अगर हम बात करें टाइमिंग की तो उनकी टाइमिंग 9 मिनट से 11 मिनट के बीच की थी, और आप सभी को बता दूं कि जो जर्नी वीडियो थी वो तकरीबन 9 मिनट हमें दिखाया गया, 9 से 10 मिनट दिखाया गया। वहीं अगर हम बात करें वहाँ पर निक्की तंबोली के बारे में जो बिग बॉस ने कहा, तो उनको मुख्य तौर पर बिग बॉस ने यह कहा कि आप जब घर में आई थी तो सभी के मामले में थोड़ा सा छोटा नाम था आपका, आपका जो नाम था उतना पॉपुलर नहीं था, और आप एक पहचान बनाने के लक्ष्य से इस घर में आई थी, और ना ही तो आपने किसी के साथ समझौता किया, ना ही तो आप किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता किया, और ना ही तो अपना फैसला बदला, आप अपने फैसले पर टिकी रही। तो इस तरीके से उनके बारे में बोल करके बिग बॉस ने वहां पर निक्की तंबोली का जर्नी वीडियो दिखाया, जो कि 10 से 11 मिनट का पूरा उनका सीन था। तो इस प्रकार से बिग बॉस ने अपने सभी 5 फाइनलिस्ट का जर्नी वीडियो दिखाया, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से भेदभाव राहुल वैद्य और निक्की तंबोली के साथ हुआ है, क्योंकि अमूमन अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो वोटिंग ट्रेंड में और जो हमेशा हम सबको लगता है कि जो ये टॉप 2 होने वाला है उसका वीडियो ज्यादा देर दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राहुल वैद्य का जो वीडियो था सिर्फ 18 मिनट दिखाया गया, वहीं उसके अलावा अगर हम बात करें तो निक्की तंबोली का सिर्फ 10 मिनट दिखाया गया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राखी सावंत को बिग बॉस ने सबसे ज़्यादा समय दिया, उनको 25 मिनट का जर्नी वीडियो पूरा दिखाया गया, और दूसरे नंबर पर रही वहाँ पर रूबीना दिलेक, जिनको तकरीबन 20 मिनट का जर्नी वीडियो वहाँ पर दिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल यहाँ पर खड़ा करता है कि बिग बॉस जिस तरीके से लगातार राखी सावंत को प्रमोट कर रहे हैं और एलिगोनी को वहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड में भी एलिगोनी आती है उसी तरीके से उनको बीच में रख दिया गया, लेकिन जो राहुल वैद्य है उनके साथ एक बार फिर से बिग बॉस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं घोटाला कर लिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका जर्नी वीडियो कम से कम 20 मिनट का तो बनता ही था, जो कि बिग बॉस ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। और रूबीना दिलेक की अगर हम बात करें तो राहुल वैद्य के साथ तुलना करें तो थोड़ा सा बड़ा था राहुल से, और सबसे बड़ा तो राखी सावंत का ही था। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल बिग बॉस का फिनाले हमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक से एक बड़े परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे, सलमान खान होंगे, गेस्ट आएंगे, और आप सभी को बता दूँ कौन जीतेगा ये तो कल फैसला होगा। वोटिंग लाइन कल दोपहर 12 बजे तक के लिए ऑन है, आप लोग फटाफट से वोट कर दें, और आप सभी को बता दूँ कि जो टॉप 2 कंटेस्टेंट बच जाएंगे उनके बीच में कल लाइव वोटिंग भी होगी, 1 घंटे के लिए लाइव वोटिंग भी होनी है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारियां जरूर कर ले। तो फिर मिलेंगे कल लाइव अपडेट के साथ, कल फिनाले है तो पूरा दिन लाइव कवरेज जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।